अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पूरे दिन की रूटीन। सबसे पहले मैं जो बच्चों को स्कूल भेज के अपना बना रही हूँ अपने और हस्बैंड का नाश्ता। और नाश्ता जो हमारा हल्का फुल्का जो गर्मी में दिल करता है वही कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें तकल्लुफ नहीं करते हम नाश्ते में। साथ में मैंने रात को चने भिगो के रखे हुए थे, इनको भी मैंने साथ में उबलने के लिए रख दिया ताकि जब तक मैं बाकी काम करूं तो ये उतने टाइम तक पक जाएं, क्योंकि ये पकने में टाइम लगाते हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं बच्चों का कमरा साफ करती हूं, क्योंकि बच्चों के कमरे में सही दवाइयाँ आई भी होती हैं, गंदा हुआ हुआ था सही से। खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने अपना जो मिशन होता है रोज़ का वो करना होता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें औलाद जैसी नेमत दी हुई है। और बच्चे अल्लाह पाक हम सब की, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक सबको औलाद दे। बच्चों के दम से ही सारी रौनकें होती हैं और हमें भी कुछ ना कुछ करने को मिल जाता है, नहीं तो ऐसे अकेला बंदा क्या काम करे, कुछ भी नहीं। तो बच्चियाँ कुछ ना कुछ करके जाती हैं तो ज़ाहिर है फिर मुझे भी काम करने को मिल जाता है। जब स्कूल जाती हैं तो मेरा काफ़ी जो है ना टाइम जो है उदास उदास सा, घर बिल्कुल खामोश हुआ होता है, कोई होता ही नहीं। और मोहम्मद भी से लेट सो के उठता है तो फिर काफ़ी बच्चों की कमी महसूस होती है। खैर, जब आती हैं स्कूल से तो वो अपना बताती हैं कि हम आ गए हैं सही घर में, फिर अपना शोर शराबा डला होता है उनका। अल्लाह पाक सब की बच्चियों की नेक नसीब करे। और यहाँ पे साथ साथ सारी मैंने डस्टिंग झाड़ू वगैरह लगा लिया था, फिर मैंने पोछा लगा लिया। और पोछा मैंने घर में जो भी टॉवल ख़राब होता है ना उसका मैं पोछा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पोछे से ना ये टॉवल वाला जो पोछा होता है ना इससे सही अच्छे से फर्श साफ़ होता है। और फिर मैं पोछा वगैरह लगा के बच्चों के कमरे के ये जो शीशे वगैरह होते हैं ये साफ़ कर लेती हूँ। साथ में इनके कमरे में बोर्ड वगैरह लगे हुए वो भी साफ़ कर लेती हूँ, उन पर भी बच्चियाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं तो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये ब्लैक बोर्ड है स्टिकर वाले हैं, ये बस दीवार पे चिपका दो और बच्चे आराम से खेलते रहते हैं। और यहाँ पे ये मेरी बेटियों के काम है, कमरों में सही गन डाल के जब ये स्कूल जाने लगती हैं तो इस पे लिख जाती हैं सॉरी मामा। उसके बाद टीवी लाउंज की बारी आती है, इसकी भी मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और ये डस्टिंग तो तकरीबन रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है, कुछ ना कुछ जो है होता रहता है हमारे घर में। डस्टिंग करने के बाद इतनी देर में मोहम्मद भी उठ गया था, फिर उसको भी देखना होता है। और मोहम्मद जब उठ जाता है तो फिर इसके पास थोड़ी देर बैठना होता है, क्योंकि इसका काफ़ी मूड ऑफ हुआ होता है। और ये बास्केट है बच्चों की जिसमें इसमें सारे खिलौने पड़े होते हैं, तो इसी में मैं डाल देती हूँ, जो भी कहीं से इधर उधर से पड़े हुए मिलते हैं वो सारे फिर मैं इसमें इकट्ठी करती रहती हूँ। और मोहम्मद का काफ़ी फिर उठ के ना मूड ऑफ हुआ होता है, फिर ये थोड़ी देर जब खेल में लग जाता है फिर मैं बाकी जो काम बचते हैं वो कर लेती हूँ। उतनी देर में मेरे चने भी उबल के तैयार हो गए थे, पक गए थे, फिर मैंने इनको भी इनकी चाट बनानी थी आज, क्योंकि ये बच्चों की नज़र के लिए और वैसे भी ये अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा चाट के तौर पे बच्चे खा भी लेंगे और थोड़ी शायद ताकत भी मिल जाए बच्चों को। ये चाट बना ली थी, इसमें इमली डाली थी, प्याज टमाटर डाले थे, थोड़ी सी बंद गोभी, और ये चटपटी सी चाट बन गई थी चाट मसाला डाल के। और आज गर्मी बहुत थी तो साथ में मैंने आलू का सालन बनाया जो जल्दी से बन जाए। इसमें मैंने प्याज टमाटर वगैरह डाल के इसको दम पे रख दिया था, और जब ये अच्छे से भून गल गया तो फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था और ये मज़ेदार सा आलू का सालन तैयार हो गया था। और यहाँ पे ये मेरा आया था दराज से पार्सल, कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैंने, चॉकलेट मंगवाई थी और साथ में एक नाइफ़ मंगवाई थी और एक नोज़ल मंगवाई थी। और ये चॉकलेट पहले मैंने एक छोटा पैकेट मंगवाया था, इसका छोटा डिब्बा, तो वो सही निकला था, मज़े की थी, तो फिर मैंने ये इसमें बड़ा वाला मंगवा लिया। और ये मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि ये खुल जाए तो फिर बच्चों के हाथ में आ जाती है, तो इसको मैं जब खोलूँगी फिर आपको दिखाऊँगी केक वगैरह पे, और अगर वो बनाने हो डोनट वगैरह तो ये उन पर काम आती है। साथ में ये नोज़ल मंगवाई थी 1 mm की, ये केक पे फ्लावर वगैरह बनाने हो या कुछ, और ये साथ में नाइफ़ थी, और तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सही आ गई थी। और फिर ये शाम का टाइम है, बच्चे शाम के टाइम जो अपना ओरल काम होता है वो ये स्कूल में कर ट्यूशन में कराती हैं, और जो रिटर्न होता है वो ये घर आके करती हैं, ड्राइंग वगैरह या कोई लिखने वाले जो भी स्कूल के काम होते हैं वो ये घर में करती हैं।
फिर शाम को मैं इनके पास बैठती हूँ थोड़ी देर। और इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।